ओह नो, एग्जाम आने वाली है और हमने अभी तक किसी चीज का प्रिपरेशन नहीं किया है, और लॉन्ग आंसर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? गाइस गाइस, डू नॉट टेंशन, डू नॉट डाउट, आई एम मस्ट क्लियर ऑल अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक माई चैनल नॉलेज ट्रिक विद निशु. गाइस, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे. सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि लॉन्ग आंसर कैसे बनाए, है ना. तो देखो, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस होती है, ठीक है, जैसे टेंथ का एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर बीए की एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आती है स्पेशली फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, ठीक है, या फिर जिन्होंने बीए है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट, ठीक है. तो आर्ट्स में क्या होता है गाइस, की ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल होती है, लाइफ साइंस हिस्ट्री होती है, तो इसमें बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, ठीक है. अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर लिखना उन्हें पसंद नहीं होता. तो ऐसा क्या ट्रिक अपनाएं, क्या टिप्स फॉलो करें जिससे कि हम लॉन्ग आंसर आसानी से लिख सकें, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं. इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है. और जिनको आइडिया है तो वो कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात है अगर जानते हैं तो, बट जिन्हें बहुत नर्वस होती है या उन्हें लिखना पसंद नहीं है और उन चाहते हैं कि मेरा कम टाइम में एग्ज़ाम के समय अच्छी, मतलब आप समझो कि आपको बहुत ही कम समय में और लॉन्ग आंसर कंप्लीट कर लेनी एग्ज़ाम टाइम, तो वो टिप्स आपको फॉलो करना है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो गाइस देखो, होता क्या है, लॉन्ग आंसर आपको कैसे बनाना है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, ये जो हिंदी, ये सब के लॉन्ग आंसर आपको बनाना होता है, ठीक है. क्योंकि देखो गाइस, लॉन्ग आंसर उतना सारा याद करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, आपके माइंड में रहना पॉसिबल. याद तो करने को कर लोगे गाइस, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना तो उतना सारा आपको पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके एक नहीं होते लॉन्ग आंसर, एक नहीं लिखने होते हैं, एटलीस्ट आपके बहुत सारे लिखने होते हैं, सपोज 8-10 इस तरह से आपको लिखने होते हैं, ठीक है. क्योंकि आर्ट्स में यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इसमें आपको बहुत सारे पेजेस लिखने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आंसर ही आपके होते हैं, ठीक है. साइंस में क्या होता है गाइस, कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं. मैथ्स में क्या होता है गाइस, यानी कॉमर्स में जिसे हम कहते हैं, इसमें आपको मैथ्स होते हैं यानी सम्स होते हैं, बट आर्ट्स में आपको लिखना होता है बहुत, ठीक है. तो आपको कैसे लिखना है लॉन्ग आंसर, कैसे उसको बना कर लिखना है. सबसे पहले गाइस देखो, आपको कोई भी लॉन्ग आंसर लिखना तो उसको हेडिंग देना ऊपर में. सबसे पहले मान लीजिए, सपोज एक हिस्ट्री आया, मान लीजिए आपको लिखना है गौतम, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखना है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसका एक्सप्लेन करो, ठीक है, विस्तार से उसको लिखो, उसका एम्पायर के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में लिखो. तो सबसे पहले आपको लिखना ऊपर में हेडिंग चंद्रगुप्त मौर्य, फिर नीचे में आना है, नीचे में आपको 2-3 सेंटेंस आपको एग्जैक्टली वही लिखना है जो चंद्रगुप्त मौर्य का बायोग्राफी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं गाइस, एक लाइन सही लिखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, ये तो सही है. उसके बाद जो नीचे लिखना शुरू करते हैं ना, वो कुछ भी, मतलब अनसेंट कुछ भी जोड़ देते हैं. तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना गाइस, तो सबसे पहले आपका ऊपर का 2-3 हेडलाइंस आपका देखता है. अगर आपका ऊपर का 2-3 हेडलाइंस सही है, ठीक है, आपने सही बनाकर लॉन्ग आंसर लिखा है, मतलब आप वो आगे आपका चेक करेगा ही नहीं, फिर ऐसे ही 5 में 3-4 मार्क्स आपको दे देता है. लेकिन अगर आपने ऊपर में ही आपने अनडिसेंट कुछ भी आपने लॉन्ग आंसर बनाकर लिख दिया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा एग्जामिनर, तो यही सोचेगा गाइस, जो जिसने अपनी कॉपी चेक करी है, जिस टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो तो यही सोचेंगे कि जब आप ऊपर में ही इतना सारा भूल, मिस्टेक लिखे हैं, तो नीचे ऑफ कॉस्टली मिस्टेक लिखा होगा, तो वो डायरेक्ट पूरा काट के 0 बैठा देते. तो लॉन्ग आंसर बनाने का तरीका यही है गाइस, कि स्टार्टिंग में आपको 2-3 सेंटेंस आपको याद करके जाना होगा, सही सही लिखना होगा, और बाकी का आप सोच सोच कर अपना बनाकर लिख सकते हैं. तो ये ट्रिक और फॉलो आप करते हैं गाइस, तो आप लॉन्ग आंसर बनाकर आसानी से लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपने सब याद करी थी, भूल गई थी तो. सो उम्मीद करते गाइस वीडियो बहुत बेनिफिट आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर.